कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे और प्यारे हैं। रियली? जब मैंने पहली बार आपको देखा था तभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं पाई। Hi. Which country are you from? Is this a business trip? No, holiday. Are you traveling alone? Oh, no. Good night. Pass karo. Good night. Good night. Good night. How are you? Yeah, I'm all fine. Well? No problem. No problem at all? You? I'm not feeling well, you know. Bathroom. Excuse me. तुम जिंदगी में एक बार एस्ट्रोनॉट की तरह जीरो ग्रेविटी में जाना चाहती थी ना? लो हम आ गए। लोहे के सामने चुंबक आएगा तो चिपकेगा ही ना। ये ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? ज्यादा भोले मत बनो, मुझे पता है तुमने ये ट्रिप क्यों स्पॉन्सर किया है। माना कि मैं पहले बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। तुमसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए ही तो मैं इस ट्रिप में। झूठ, तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, काम निकलते ही तुम मुझे भी छोड़ दोगे, जैसा तुम पहले दादाजी के साथ कर चुके हो। तुम्हारे झांसे में मैं नहीं आने वाली। इनको मिलाने के लिए ना स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। मिलावट करना तो मेरा पेशा है, तभी तो लोग मुझे मिक्सर कह के बुलाते हैं। हेलो, एवरग्रीन बोल रहा हूँ। तुम्हारी छुट्टी, फिलहाल मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद करो। तो लड़का ढूंढू? मजाक बंद करो, मुझे लड़की मिल गई। या तो आप किस्मत वाले हैं या वो बदकिस्मत। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फोन रख। वेलकम वेलकम, मुझे देखकर चौंक गए। हनीमून पर अपने ड्राइवर को साथ क्यों लाई हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम लोगों ने मुझे 6 महीने में दादा बनाने का वादा किया है, पर संध्या कोऑपरेट नहीं कर रही क्या? ये सच है? हेलो। ये दुनिया कितनी छोटी है भाभी जी। जिस फाउंडेशन में मैं 10 साल से हूँ वहाँ संध्या वॉलंटियर है और अपने पति के साथ यहाँ काम से आई है। सच में? और नहीं तो क्या। एक मिनट लीजिए, संध्या से बात कीजिए। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। तुम तो वहाँ जाकर हमें बिल्कुल ही भूल गई। आगे से फोन नहीं किया तो 2 थप्पड़ मारूंगी। जी वो। ओके आंटी, बाय। तुम उन्हें कब तक धोखा देते रहोगे?
यहाँ मेरी क्यों बैंड बजा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड वहाँ बैठा है, वहाँ जाके बैठो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं पहले बहुत शरीफ था, लड़कियों के मामले में गरीब था, पर तुमने मुझे अपने पास बिठाया, मीठा बोल के चने की झाड़ पे चढ़ाया, मेरे मासूम दिल में घुसी बसी, फिर भी न फंसी। अब पता चल रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हो, मेरी पुंगी बजा देता तो। एसएमएस जी, मैं एक राज बताऊं? बताओ। आपको माया ने छोड़ दिया उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है ये किशन। और मेरी शादी सचमुच में नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा। सब समझ गया। यू लाइक मी। अब तुम्हारे इस नकली पति को मैं चाय की पत्ती की तरह उबालूंगा। अपने घर क्यों लाए? रिश्तेदारों को क्या होटल में ठहरने देता? आज होली है, पहले वो मनाते हैं। पुराना मानो होली है। स्टैच्यू। थैंक यू। ना तुम मेरे बॉस हो और ना ही मैं तुम्हारा नौकर कि मैं तुम्हारी हर बात मानू। चाहे तुम होली खेलो या गोली, पर ये मस्तानों की टोली होटल में रुकेगी। जब से इसकी बीवी से छोड़कर गई है, खुशी के मारे इसके दिमाग का फ्यूज पूरी तरह गुल हो गया है। संध्या के साथ थोड़ी गलतफहमी क्या हो गई? बुड्ढा उसका फायदा उठा रहा है। अरे मंगल जी, इसे जरा होटल छोड़ाओ। ठीक है मिस्टर मिक्सर ग्राइंडर, होटल मैं अकेले नहीं जाऊंगा, संध्या भी मेरे साथ जाएगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, धूप में खड़ा है, आग न लग जाए। मियां बीवी को अलग क्यों करना चाहता है कुत्ते? तुझे कुत्ता काट ले तो वो भी मर जाए कभी नहीं। मुंह में दांत भी नहीं है, जाकर अपनी कब्र के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ। मिक्सर जानी, लगाम योर टंग, हम डॉक्टर हैं। तू डॉक्टर है? हाँ। मरीज लग रहा है, तुझ जैसे डॉक्टर हकीम से दवा लेकर खाते हैं। तूने जिनका इलाज किया है वो जिंदा भी हैं? वार्ड बॉय लगता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब भी कहता हूँ सुधर जा, वरना होटल नहीं हॉस्पिटल जाएगा। संध्या आ जाओ बेटा। अरे फाउंडेशन में कौन कौन है ये मुझे क्या पता, ये मेरी प्लानिंग नहीं है। जब इन्होंने होटल जाने के लिए कहा तब तुमने मना क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों खड़े रहे? जब वो उल्लू मुझे गालियां दे रहा था तब ये मजे ले रहा था। वो तो मैं तुम्हारे प्यार की वजह से चुप था, वरना उसके टॉन्सिल्स दबा देता ऑन द स्पॉट। मैं जानती हूँ एसएमएस जी। थैंक यू डॉक्टर। यहाँ मजा आ रहा है ना? तू आ गया, यहाँ मेरी सेटिंग चल रही है और तू मुझे आउट करना चाहता है? अरे मुश्किल से कन्या मिली और तुम चाहते हो मैं घोड़ी चढ़ू ही नहीं? मेरे मोटे अरमानों पर पानी फेरो। दूसरों की शादी में 100 बार नाच चुका हूँ, जवान हूँ तब तक खुद की शादी में एक बार तो थिरकने का मौका दो। अब जाओ। जाता हूँ। संध्या, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, घर के किसी बड़े से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हमें होटल पहुँचा दे। मुझे भी नहीं रहना, मैं आपके साथ चलूंगी। डॉक्टर साहब। क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। बको। आपसे शादी के बाद मैं माया से कभी ना मिला ना बात की। मतलब कि तुमने वो कली नहीं तोड़ी जो मेरे बाग में खिली थी? ये कैसा एग्जांपल दे रहे हो? मेरी बीवी है मेरा सैंपल, मैं चाहे जैसा भी दूं उसका एग्जांपल। इस घर के मालिक से मिलकर तेरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और तेरा कच्चा उतारूंगा। डॉक्टर तू एबनॉर्मल है क्या? हाँ। तो कच्चा उतारने की बात क्यों कर रहा है? एसएमएस जब एमएमएस बन जाता है तो खुद की भी नहीं सुनता। ऐसी बात मेरे दादाजी के सामने मत करना। घर के मालिक दादाजी हैं? हाँ, वो अंदर सो रहे, उनसे मेरी शिकायत मत करना। मतलब दादाजी उस कमरे में? दादाजी जी, जंतू, ग्रैंडपा, उनसे कुछ कहना नहीं। तो गया। दादा जी। इसे इतनी भी तमीज नहीं कि बिना नोक के किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अरे ये ठहरा जंगली सांड, इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है इस जंगली सांड को हमें काटकर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। बेटा इसे ऐसी जगह काट कि ये कभी बैठ ना पाए। मुझे तो ये हमारी बिरादरी का लगता है, बस शक्ल सांड जैसी है। ऐसी जगह चुन की जिंदगी पर इंजेक्शन ना लगवा पाए। इंसान मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शुभकामना देने के लिए बोलो जर्मन शेफर्ड की जय, जंगली कुत्तों की जय, सड़क छाप कुत्तों की जय। झूठी तसल्ली देकर होली में लाल होकर आ गए? होली में नहीं हुआ हूँ, उस खोली में हुआ। इंसान इंसानों से खेलते हैं, मैंने कुत्तों से खेली। वो कैसे खेलते हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, उस दिन उसके सामने हर कोई ढेर होता है। और आज ही वो दिन है, आदमी एक और कुत्ते अनेक।
दिखा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ काटा है मुझे। अब मैं उस किशन को कच्चा काट खाऊंगा। कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं एसएमएस जी। मेरा ईगो हॉट हुआ है। ईगोइस्ट टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या करेंगे? कुत्तों ने मुझे काटा है, अब मेरी रगों में कुत्तों का खून दौड़ रहा है। मैं उस पे भौंकूंगा, उसे काटूंगा। बस तुम प्यार से छू बोल दो। बोलना। सुनो तो। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम सिर दर्द का बहाना करके उससे कहो कि वो बच्चों के साथ सो जाए। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में जाएगा, वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ रहूंगा मैं, रेबीज वाला कुत्ता। भौ भौ। कल हम कब निकलेंगे यहाँ से? 7:45। मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, इसलिए आज बच्चों के साथ तुम सो जाओ। मैं सो जाऊँ? ठीक है। Yeah! के नीचे मरेगा मनहूस। इधर होगी तेरी बर्बादी, उधर मेरी शादी। और बताओ सिग्नल मिला क्या? कैसा सिग्नल? अरे बेवकूफ, जल्दी से बच्चों को सुलाकर उसकी कमर दर्द का इलाज करना है तुम्हें। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओहो, आजकल के जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है, बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने का यही तो मतलब है। चलो उठो। अरे चलो। क्या मतलब है? चलो। अरे आप बात मानो, चलो तो। अब क्या? तुम्हारी कमर दर्द का इलाज लाया हूँ, इसके पास फंडू बाम है। तो दो। ये इतनी दूर से कैसे लगाओगे? चलो अंदर जाओ, अच्छे से लगाना। ऑल द बेस्ट बेवकूफ, ऑल द बेस्ट अंकल।